द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके। अब तक हमने देखा कि वर्ग समीकरण कैसे बनते हैं, अब हम उनके हल करने के तरीके पर चर्चा करेंगे। x की घात 2 ऋण 7x बराबर 0 एक वर्ग समीकरण है। क्या हम यहाँ x का मान पता कर सकते हैं? चूँकि x की घात 2 ऋण 7x बराबर 0 है, या जब हम दोनों पदों से x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x x ऋण कोष्टक में हम लिखेंगे x ऋण 7 बराबर 0, या x बराबर 0 या x ऋण 7 बराबर 0, तब x बराबर 0 या x बराबर 7। चूँकि x के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः या इस समीकरण x की घात 2 ऋण 7x बराबर 0 के हल होंगे। x बराबर 0 और x बराबर 7 इस समीकरण के हल होंगे। इसी प्रकार कहीं हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसी प्रकार कहीं हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। x धन 1 x ऋण 2 बराबर 0 को हल करके देखते हैं। यहाँ पे हम x धन 1 बराबर 0 लेते हैं या x ऋण 2 बराबर 0। जब हम धन 1 का पक्षांतर करेंगे तो इसीलिए x का मान ऋण 1 हो जाएगा, या ऋण 2 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा। चूँकि x के मान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अतः x बराबर ऋण 1 व x बराबर 2 समीकरण x धन 1 कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x ऋण 2 गुणा x धन 1 कोष्टक में गुणा x ऋण 2 कोष्टक में बराबर 0 के मूल होंगे। करके देखें, इन समीकरणों के हल ज्ञात कीजिए। पहला, x का वर्ग ऋण 11x बराबर 0। दूसरा, x ऋण 1 पूरे का वर्ग बराबर 0। तीसरा, x धन 3 पूरे का वर्ग बराबर 0। चौथा, कोष्टक में x ऋण 2 गुणित कोष्टक में x धन 3 बराबर 0। पांचवा, x गुणित कोष्टक में x ऋण 1 बराबर 0।